अहम बात क्या है, आज बदलाव की जरूरत इसलिए है कि हर पहलू से अगर आप देखेंगे आप तो नुकसान और बर्बादी के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। सबसे अहम बात, सबसे पहली बात, आजाद हिंदुस्तान आज खड़ा है अपने संविधान के चलते हुए। इस संविधान के चार बुनियादी स्तंभ है और ये चार बुनियादी स्तंभ वो है धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और केंद्र और राज्यों के सरकार के बीच में संबंध। ये चार मुख्य बुनियादी स्तंभ। हर स्तंभ के ऊपर आज मोदी सरकार के हमले हर दिन तेज होते जा रहे हैं। हमारा देश का चरित्र क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है, हम भारत के लोग है कौन, हम एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज्य का नागरिक है और हर नागरिक को न जात, कोई जात हो, कोई पात हो, कोई महिला हो या पुरुष हो, हर नागरिक को बराबर की अधिकार देती है ये संविधान। आज अगर सबसे बड़ा हमला हो रहा है उस बराबरी के ऊपर हो रहा है, आज सबसे बड़ा हमला हो रहा है इस नफरत और जहरीली प्रचार और उसके साथ साथ जो हिंसा जो हो रही है खास तौर से अल्पसंख्यकों के ऊपर और अपने बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर। इस तरीके से घोर अपराध मेरे जिंदगी में एक आजाद हिंदुस्तान में पैदा होने के बाद मैं नहीं देखा जो आज देखने के लिए आ रहा। इसलिए जब मोदी साहब कहते हैं कि ये अमृत काल है, हम कहते हैं भाई अमृत का पैदाशी कैसे हुआ, इसको मोदी साहब को फिर से याद करना चाहिए कि ये अमृत है। और फिर बाद में ले जाके देखा तो उसको खोल के तो अमृत नहीं, ये जहर है। और अमृत जो है गलत लोगों के हाथ में पहुंच गया। अब ये गलत लोगों के हाथ से वापस कैसे लाए देवी देवता, वो एक और कहानी है, वो जब समय आएगा बताऊंगा मैं। लेकिन आज हमें समझना है कि हम ये पहली कहानी के जैसे खड़े हैं, आज खड़े हैं कि देश के अंदर जो अमृत है वो गलत लोगों के हाथ में, आज उन गलत लोगों के हाथ से उस अमृत को उठाकर ले आना है जनता के हित में, देश के हित में, हमारे देश को बचाने के लिए। ये गलत लोगों के हाथ से उठाकर ले आना है तो ये गलत लोग आज सत्ता में है, इनको आज सत्ता से उतारना है, बिना उसके अमृत देश के लोगों के हाथ में नहीं पहुंचेगी। आज बदलाव का मतलब है आइए हम सब मिलकर अमृत को अपने हाथ में ले, ना कि इन गलत लोगों के हाथ में रहे, और मोदी सरकार को उतारे हम, उसको हराए, अपने देश को बचाए और ये बदलाव ले आइए आज हमारे देश में।